बिस्मिल्लाम्सम क्या हाल है आप सब सबके उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे मज़े में होंगे खूब इन्जॉय कर रहे होंगे गर्मी है तो क्या हुआ गर्मी भी बहुत मज़े की होती है ठंडी ठंडी कुल्फियाँ और आइसक्रीमें खाएँ और इंजॉय करें और जी वैसे तो आज का भी ब्लॉग दावत का व्लॉग है लेकिन उससे पहले जो है वो हम घर में खाना तो पकएँगे क्योंकि दावत भी हमने रात में जाना है ये बड़ी ट्रैजडी है दावत के इन्विटेशन की कि आपने रात में जाना होता है तो आपको दिन में तो खाना पकाना ही पड़ता है तो आज मैं बनाने लगे चिकन 65 और चिकन 65 का मुझे एक रेडीमेड पैकेट मिला था तो मैंने सोचा मैं उसे ट्राई करूँ लेकिन जब मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे नहीं लगा कि वो 100 परसेंट वैसा है जैसा होना चाहिए तो मैंने रेडीमेड पैकेट में से सिर्फ एक टेबल स्पून लिया है चिकन सिक्सटी का उसके अलावा मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च धनिया पाउडर गर्म मसाला ये मैंने ख़ुद से डाला है ठीक है इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से लेमन जूस में मिक्स कर रही हूँ और आपने देख लिया होगा कि इस दफ़ा लेमन जूस में कोई सीड नहीं है और चिकन के मैंने छोटे छोटे से चंक्स किए हैं और इसको मैं मैरिनेट करूँगी कम अज़ कम डेढ़ से दो घंटे के लिए जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे ना उतना ही अच्छा होगा वैसे तो चिकन 65 की फ्रॉम द स्क्रैच बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो पैकेट के मसाले से बनाएँ लेकिन मैं चूँकि उसका टेस्ट चेक करना चाह रही थी तो इसलिए मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया अदरवाइज़ चिकन 65 में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो धनिया पाउडर होता है चिकन 65 देखने में तो चाइनीज़ स्टाइल की डिश होती है मगर उसका टेस्ट जो है ना वो देसी होता है और जी यहाँ पर मैं जो हूँ वो कॉर्नफ्लर और ऑल पर्पज़ फ्लावर इसको यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ बहुत से लोग जो हैं वो चिकन 65 में चावल का आटा डालते हैं चावल का आटा आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं अगर आपने चिकन 65 को ज़रा सी ग्रेवी के साथ नहीं बनाना और उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी रखना है मेरे पास पहली बात यह कि चावल का आटा था ही नहीं तो मैं कैसे इस्तेमाल करती लेकिन दूसरी बात यह कि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी थी तो फिर मुझे इतना एक्स्ट्रा स्पाइसी या सॉरी एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने की उसको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इन द एंड जब ये ग्रेवी सॉस में जाता है तो ख़ुद ब खुद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो बस अब दो घंटे बाद जो है इसके अंदर मैं एक अंडा डाल रही हूँ अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस चाहिए तो आप दो अंडों की सफ़ेदी इस्तेमाल करें सिर्फ जर्दी मत यूज़ करें लेकिन मैंने सोचा जर्दी का क्या करूँगी अब मैं तो मैंने जर्दी भी डाल दी इसके अंदर और उसके साथ जो है वो मैंने जो फ़्लावर मिक्स बनाया था उसको अच्छी तरह से कोट कर दिया बहुत से लोग इसे इसी तरह से मैरिनेट करते हैं लेकिन उससे मुझे लगता है चिकन सॉगीगी हो जाता है तो ये दो इंग्रेडिएंट आपने एंड में डालने हैं और जी तेल हमारा अच्छा खासा गर्म है आप देख लीजिए इस कूर के पास जो है वो बबल्स हो रहे थे जिस वक्त आप चिकन डालना स्टार्ट करेंगे तो तेल का टम्परेचर कम हो जाएगा तो इनिशियली जो है वो तेल आप थोड़ा तेज़ गर्म कर लें फिर उसको मीडियम फ्लेम पे कर दें मीडियम फ्लेम पे करने के बाद उसमें चिकन डाल दीजिए क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि फ़ौर चिकन फ्राई हो जाए ऊपर से और ब्राउन हो जाए और अंदर से जो है वो कच्चा रहे ये एक बेकिंग डिश है जिसके ऊपर मैंने पेपर रख के जो किचन चावल होता है और एक ग्रिल रख ली है ताकि जो है वो जितना एक्सेस ऑयल है वो उसमें निकल जाए वैसे तो है तो डीप फ्राइड अब इसमें से जितना मर्जी ऑयल निकालें तो मगर बहरहाल दिल की तसल्ली के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर ली जाए ताकि जो थोड़ा बहुत ऑयल निकल सकता है इसमें से वो निकल जाए और अगर आप इसको सही टम्परेचर पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त फ्राई होंगे सेम तेल में से जो है वो मैंने एक से दो खाने के चम्मच तेल डाला है यहाँ पे लोग कड़ी पत्ता डालते हैं मेरे पास कड़ी पत्ता भी नहीं था लेकिन कोई बात नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कड़ी पत्ता नहीं है तो मैंने उसकी जगह जो है वो बटन चिलीज डाल दी हैं अगर आपके पास लाल वाली लंबी मिर्ची हों तो आप वो भी डाल सकते हैं अब आ गई बारी इसका सॉस बनाने की यहाँ पे मैंने पैकेट के मसाले का इस्तेमाल किया उसमें सिर्फ कैचअप लिखा हुआ था डालने के लिए कैचअप और मसाला डाल के जो है वो चिकन को उसमें कोट करना था लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी बनानी थी तो मैंने बस इसमें एक टेबल स्पून मसाला डाला है कैचप डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जो मैंने औरिजिनल रेसिपी शेयर किया उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और टोमेटो पेस्ट इस तरह की चीज़ें भी डाली हैं और इसको एक टिपिकल रेड खतरनाक वाला जो कलर है ना वो देने के लिए मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर डाल दिया है इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे ग्रेवी पकाने में आपने बहुत मेहनत की है इस क़दर टमाटरों का जूस इस्तेमाल किया है कि बिल्कुल सुर्ख हो गई है तो अंदर की कहानी ये है कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और जी ये हरी मिर्चें हैं तीन चार को मैंने स्लिट कर दिया है और तीन चार बिल्कुल साबुत हैं ताकि इतना भी स्पाइसी ना हो जाए कि खाना मुश्किल हो जाए तो ये ग्रेवी आपकी तैयार हो गई है इसमें एक कप कैचप है एक चम्मच वो स्पाइस मिक्स है और क्वाटर कप पानी है बस इसको थोड़ा सा मैंने पकाया है ज़रा सा वो गाढ़ा हुआ है तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया क्योंकि चिकन के ऊपर एक कोटिंग जो है ना वो वो इसका एक्सेस मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी तो अगर आप इसको बहुत गाढ़ा रखेंगे ना तो एंड में सिर्फ चिकन चिकन बचेगा और ज़रा सी भी ग्रेवी नहीं होगी तो अगर आपको इसे थोड़ा सा गीला गीला रखना है तो ग्रेवी को हल्का सा जो है वो पतला रखें अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब मैं इसको डिश आउट करूँगी और जी ये है धनिया की डंडियाँ डंडियों को अच्छी तरह से वॉश कर लें कभी भी डंडियाँ मत फेंका करें यकीन करें सबसे ज़्यादा खुशबू और सबसे ज़्यादा फ्लेवर डंडियों में ही होता है तो थोड़े से पत्ते हैं और ज़्यादा डंडी वाला पार्ट है इसको मैंने जो है वो मिक्स कर दिया है मज़ेदार ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इसका और ये तैयार है अब आप देख लीजिए कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी क्या हो गई है थोड़ी सी वो ग्रेवी है मगर वो गाढ़ी हो गई है क्योंकि चिकन ने काफ़ी कुछ अब्ज़ॉर्ब कर लिया है तो बस अब हमारा चिकन सिक्सटी फाइव तैयार है अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ग्रेवी के बगैर और एक्स्ट्रा ड्राई बना सकते हैं मुझे वाइट चावलों के साथ सर्व करना था तो मैंने ऐसा बनाया और जी अब हो गई है शाम और हम पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ हमने दावत पे जाना है और इस दावत की रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए की है उसकी वजह यह है कि यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं क्योंकि जो हमारी होस्ट थी उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ़ एक दिन पहले इन्होंने प्लान किया कि उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है और कोई भी थीम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको पता है बहुत एफ़र्ट चाहिए होती है उससे रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं वैसी डेकोरेशन चाहिए होती है उसी तरह का केक चाहिए होता है और ये पूरा काम जो है वो चौबीस घंटे में करना पॉसिबल नहीं है मगर हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने इसको चौबीस घंटों में करके दिखाया डायनो थीम थी डायनासोर थीम थी तो सबसे पहले तो उसके बलून ले लिए उसी से जो है वो आपका 25 परसेंट काम हो गया कि आपकी थीम में जो है वो मेन चीज़ आ गई उसके बाद जो है वो गुडी बैग्स बनाए गए गुडी बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपने कलर डिसाइड कर लिया गुडी बैग के लिए ऑरेंज की थीम थी और उसके अंदर बच्चों के लिए जो है वो मज़ेदार सा स्टफ डाला गया वो इसलिए कि बच्चे जाते हुए जब इसको अपने साथ लेके जाएंगे तो खुश खुश जाएंगे और थीम के अकॉर्डिंगली सारे बलून जो हैं वो आपने फुला के रख लिए अब आप इससे जो है वो जैसी चाहे डेकोरेशन कर सकते हैं आप चाहें तो इसका एक बुके बना लीजिए दीवार पे टेप से लगा दीजिए और जी ये हैं बर्थडे बॉय जो कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं अम्मा का किचन में हाथ बटाना और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वैसे तो फोरकास्ट थी बारिश की लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बारिश स्टार्ट हुई और आप देखिए कि किस हिसाब से बारिश हो रही है हुसैन साहब का बहुत दिल था कि वो बाहर जा खेलें मगर मौसम ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो बाहर जा जो है वो इंजॉय कर सकें लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया बारिश की टिप टिप को और इतनी मज़ेदार आवाज़ को और आप भी सुनिए ये वाली आवाज़ें अच्छा जी डेकोरेशन और थीम के बाद जो है वो मेन काम जो होता है वो होता है केक वो थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए अब चूंकि इतनी जल्दी जो है वो केक का ऑर्डर नहीं हो सकता था और सेम केक नहीं मिल सकता था जैसा चाहिए तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा चॉकलेट फज केक ख़रीदा जो कि रेडीमेड था और उसके साथ जो है वो डायनो थीम को जो है वो देखें किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है सारे डायनासोर के पैरों पे जो है वो क्लिंग फिल्म लगा के और उसको जो है वो केक के ऊपर सेट किया जा रहा है तो देखें बन गया ना ज़बरदस्त किस्म का डायनासोर केक कोई भी नहीं बता सकता कि ये डायनासोर केक नहीं है और ये पहले से प्लान नहीं किया गया था तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत मज़ा आया मुझे ये देख के कि आप जो है वो अपनी बर्थडे थीम को जो है वो अपने बजट के हिसाब से अपने रिसोर्स के हिसाब से अपने टाइम लिमिटेशन के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं कलर डिसाइड कीजिए थीम डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए अब यहाँ पे आपके अटेंशन में केक के सर्विंग की तरफ ले जाना चाहती हूँ यूजुअली जो केक प्लेटर होते हैं या वो राउंड होते हैं या फिर स्क्वायर होते हैं तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल चाहिए चाहिए था तो अब आप, आप देखिए इसके लिए क्या किया गया है एक रेक्टेंगल डिश को जो है वो गोल बोल के ऊपर रखा गया है ये केक प्लेटर नहीं है इस प्लेटर को जो है वो बनाया गया है और इसके ऊपर एक डायनासोर को टेप की मदद से हैंग करके बिल्कुल सेम थीम के अकॉर्डिंग कर लिया गया है ना मज़ेदार आइडिया तो जी अब हम आ गए हैं खाने की तरफ और हमारी जो मेज़बान हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेन्यू सेलेक्ट किया था जो कि कम टाइम में परफ़ेक्ट बन सकता है सबसे पहली चीज़ हलीम हलीम आपको पता है कि आप रात को दालें भिगो के सुबह भी चढ़ा देंगे तो शाम तक आपकी दावत तक ज़बरदस्त हलीम बन जाएगा रात को आप अपने चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे तो सुबह आप उसे बार्बिक्यू ग्रिल पर बना सकते हैं आपको चूल्हा इंगेज नहीं करना पड़ेगा उसके साथ इन्होंने बनाई बोनलेस मलाई हांडी और उस हांडी को देखिए क्या ज़बरदस्त ट्रक आर्ट की हांडी है तो है ना ज़बरदस्त मेन्यू हलीम और हांडी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप आराम से घर में बना सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे कैटर कर सकते हैं तो हमेशा मेन्यू वो डिसाइड करें जिसमें कम चीज़ों में जो है वो आप ज़्यादा बड़ी पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकें कभी भी मुश्किल चीज़ों में नहीं पड़े अगर आपके पास टाइम कम है और जी हांडी के ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाली जा रही है और उसको हरी मिर्चें धनिया और लेमन से गार्निश करेंगे और हांडी इतनी खूबसूरत तरीके से सर्व की गई है कि भाई उसकी तो प्रेजेंटेशन के ही नंबर सौ बटा सौ हैं तो आप लोग बताइए कि कभी आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई दावत का अरेंजमेंट किया है और अगर किया है तो आपने क्या मेन्यू रखा था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक जार फिल करके जो है वो लेमिनेट कर रखा था ताकि बच्चे जो हैं वो खेल के जब थक कर आएँ तो अपनी मर्ज़ी से उसे पी सकें और अच्छी बात है इस तरह से जो है वो दूसरी बेवरेज़ से जो है वो बच सकते हैं जो कार्बोनेटेड होती हैं और बच्चों के लिए अच्छी भी नहीं है तो आपके सामने ज़बरदस्त मेन्यू है बहुत ही ज़बरदस्त सैलड था फैटा चीज़ के साथ उसके साथ दही फुल्कियाँ थीं दही फुलकियों के साथ बारबेक्यू चिकन इतना अच्छा ग्रिल हुआ हुआ था इतना ज़बरदस्त मसाला था और आपको पता है हमारे पास जो है वो बारबेक्यू का काम कौन करता है हजरत तो यानी एक चीज़ पकाने की जो टेंशन है ना वो आपके सर से उतर गई अगर आप बारबेक्यू आइटम रखते हैं तो बस जी अब आप मेरे साथ जो है वो खाने को इंजॉय कीजिए और देखते जाइए कि हम क्या क्या खा रहे हैं आज के ब्लाग से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा कॉमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें वहाँ पे मैसेजेस का जवाब देना बहुत आसान होता है और एंड तो होगा गर्मा गर्म, गर्म चाय से ज़बरदस्त गर्म कप हो जाएगा तो बस और क्या चाहिए सारे दोस्त मिल बैठे हैं ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं कोई मज़े की बातें शेयर कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं तो जी चाय से हर चीज़ का एंड होना बहुत ज़रूरी है क्या ख्याल है आपका बस जी अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ़ खुश रहिए दूसरों को खुश रखिए लोगों को आसानियाँ दीजिए यकीन करें अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देंगे कभी कुछ गलत करने में आपकी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए ठीक है ना फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़